गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अज असी कुछ एहो जे वर्ड्स बारे पढ़ांगे जिहड़े कई बार सानू बड़े कन्फ्यूजन च पा दिंदे ने। ओह हन कैन, मे, माइट। कई बार तुसी देखोगे कि इंटरचेंज होके लगदे रहिंदे ने, ते कई बार जदों असी इहनां दी पंजाबी करिए ते उहनां दी पंजाबी इक्को तरह की होंदी है। चाहे वह कैन नाल कर लो, चाहे मे नाल, चाहे माइट नाल उस सेंटेंस की, फिर सानू समझ नहीं आती भी कैन क्यों लग्या, माइट क्यों नहीं लग्या, मे क्यों लग्या, कैन क्यों नहीं लग्या। सो जे पंजाबी विच इक्को ही है तो फिर तो ये इंटरचेंज होकर वरते जा सकते हैं। सो अज असी देखांगे कि इन्हां दी ठीक वरतों किवें कर सकते हैं। कैन, कैन का मतलब की है, सकदा। मे, सकदा। माइट, सकदा। ओके, ज़्यादातर मीनिंग उन्हां दे इस तरह आते हैं। सो इन्हां च फर्क की है, कैन तुहाडी फिजिकल एबिलिटी दे नाल संबंध रखता। मान लो जे तुसीं कहना हो मैं भज सकदा हाँ, तुहानूं किसे कोल इजाजत लैण दी लोड़ तां नहीं। मतलब तुसीं कहना चाह रहे हो कि मेरे शरीर विच पावर हैगी है, मैं भज सकदा। फिजिकल एबिलिटी बारे गल कीती ना, ते जे तुसीं कहना हो मैं पढ़ा सकदा हाँ, इह वी तुहाडी फिजिकल एबिलिटी है। आई कैन टीच, ओके। आई कैन स्विम, आई कैन राइट, आई कैन रीड। जो तुहाडी फिजिकल एबिलिटी है, शरीरक समर्था है, जदों तुसीं उहदे च दसना कि मैं चीज़ कर सकदा हाँ, तां फिर तुसीं कैन लगाना। ओके, क्लीयर। नैक्सट, मे। मे दी वरतों असीं कई जगह करते हैं। मान लो जी आपां एक स्कूल लैवल तो शुरू करिए, आपां कहिंदे आ मे आई कम इन, कि मैं अंदर आ सकदी हाँ या आ सकदा हाँ। सो इत्थे की तुसीं तुर फिर नहीं सकते? जे बाहर तुर के क्लास तक पहुँच के तो फिर की तुसीं अंदर नहीं जा सकते? जा तो सकते हैं जी, असी आग्या लैके जानी है, परमिशन लैके जानी है कि मैं आ सकदा हाँ, तुसीं मैनूं आग्या दिंदे हो, फिर की कहना, मे आई कम इन। ओके, अजकल थोड़ा होर भी ट्रेंड चेंज हो रहा, मे नूं हौली हौली छड्ड रहे ने, ते जिहड़ी आम बोलचाल दी भाषा विच मेरी जगह कुड, कुड आई कम इन। ओके, जिथे जिथे मे लगांदे सी उत्थे उत्थे अजकल कुड दी वरतों होण लग गई, पर असी हजे उहनूं सैपरेट रखांगे। साडा टॉपिक कैन, मे, माइट तक रहना चाहिए। ओके, तो मे आपां होर किते किते वर सकते हैं। मान लो कोई आपां विश या होप एक्सप्रेस करनी होवे कि रब करे इदां हो जाए, मे दे बी वेरी हैप्पी इन द फ्यूचर, कि रब करे वो खुश रहन आने वाले फ्यूचर विच। या किसी कोई आग्या देनी होवे निम्रता सहित, ओके, किदां, दैट्स ऑल फॉर नाउ, हुण लई इन्ना ही काफ़ी है, यू मे गो, तुसीं हुण जा सकदे हो। या किसी आने वाली चीज़ की पॉसिबिलिटी दसनी होवे कि यह चीज़ वापर सकती है, ये घटना हो सकती है। दोज रिपोर्ट्स मे प्रूव टू बी फॉल्स, कि ये जिहड़ियां रिपोर्ट आईया हन, हो सकता है कि यह गलत साबित हो जाए। सकदा, मे दी वरतों असी उस जगह भी कर सकते हैं जदों असी दो अलग अलग गल्लां कॉन्ट्रास्ट च करिए, कॉन्ट्राडिक्टरी गल्लां कॉन्ट्रास्ट च करिए। किस तरह? बई जिदा कहना होवे कि चाहे जिहड़े उह गाण वाले हन देखणे चन्ने वधिया नहीं लग रहे, पर उन्हां दी आवाज़ बड़ी वधिया आ रही है, तो किदां आपां कहांगे, द कोरस मे लुक सिली, कि गाण वालियां दा ग्रुप हो सकता है सिली लगता होवे, बट दे साउंड वंडरफुल। ओके, उन्हां दी साउंड बहुत अच्छी आती है। सो ए हो गया मे। ओके, माइट सिंपल है, मे दा पास्ट, माइट, यही सारियां गल्लां जदों तुसीं पास्ट विच दसियां होण तां मे दी जगह की लगा देना, माइट। पर अजकल दी इंग्लिश विच मे अते माइट दोनों नूं ही वेलकम किया जा रहा है। सो मे दी जगह माइट, माइट दी जगह मे, चाहे वह पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होवे, इन्हां लफ्ज़ां मे माइट दी वरतों एक दूजे दी जगह ते आम कीती जांदी है। जिदां ये कहना होवे कि वह सोचदी हो तो पागल हो जाएगी, दोनों तरीके नाल कह सकदे हो, शी थिंक्स शी मे बी गोइंग क्रेजी, या तुसीं कह सकदे हो, शी थिंक्स शी माइट बी गोइंग क्रेजी। ओके, सो इसे तरह पास्ट ईवेंट कोई दिखानी होवे तां वी माइट अते मे दोनों नूं इंटरचेंज करके तुसीं वर्त सकदे हो। किस तरह? आई माइट हैव फॉरगॉटन, मैं भुल गया सी, आई मे हैव फॉरगॉटन, मैं भुल गया सी, टू लैट यू नो, तैनूं दसना। ओके, सो इसे तरह मे अते माइट नूं तुसीं उस पोजिशन च इंटरचेंज कर सकदे हो जदों तुहानूं पास्ट ईवेंट दे ट्रुथ बारे ना पता होवे, सच्चाई बारे ना पता होवे कि असल च घटना किदां वापरी सी। ओके, जिवें तुसीं कहना होवे, आई थिंक दैट कमेंट मे हैव ऑफेंडेड some people, मैनू लगता है कि यह जरा तू कमेंट दिता है, हो सकता कईयां दे दिल नू ठेस पहुंचे, ये नाल
माइट हैव ही वर्सा दियो आई थिंक दैट कमेंट माइट हैव ऑफेंडेड सम पीपल दोनों करेक्ट है ओके फिर भी माइट हैव का मतलब हुंदा है कि जे असी पास्ट टेंस विच दसना होवे कि भाई ये चीज़ वापर सकती सी पर वापरी नहीं किस तरह रोज एश्योर्ड अस रोज किस तरह नाम उन्हें सानू भरोसा दवाया दैट शी वॉज वैल वह ठीक सी बट शी माइट हैव बीन बैडली हर्ट पर वो इस तो भी ज़्यादा जख्मी हो सकती सी ओके क्योंकि पास्ट टेंस की गल कर रहे हैं हूँ जो इदा कहना हो रोज एश्योर्ड अस दैट शी वॉज वैल कि वह ठीक सी बट शी मे हैव बीन बैडली हर्ट ए इनकरैक्ट सेंटेंस गिणिया जाएगा सो इस तरह जो आप कभी गैस लगाना हो गैस वर्क करना हो कहते आप कि मैं पक्का तो नहीं पता पर मैं लगता है तुम्हें कहना हो वूमन लुकड एज इफ शी माइट हैव बीन इन हर लेट फोर्टीज सेंटेंस तो पता चल रहा कि स्पीकर नू पता नहीं है कि उसकी एज की है वो एक टेंटेटिव गैस लगा के गल कर रहा है इस तरह तुसी माइट उदो भी लगा सकते हो जो किसी गल विच कोई शर्त दिसदी हो जिदा कहना हो जे मैं अमेरिकन हुंदा तो मैं अमेरिकन की इमीग्रेशन नू अलग तरीके नाल देखदा इफ आई वर एन अमेरिकन आई माइट सी इमीग्रेशन डिफरेंटली सो इस तरह जिवें कहना होवे कि इफ यू गो टू बैड अर्लीयर जे तुसी जल्दी सो जांदे हो यू माइट फील बैटर टुमारो माइट आपां उदों भी वरत सकते हैं जदों आपां कोई किसे तो चिढ़ जाइए जिस तरह का बिहेवियर दूजे तो आस करते सी ओहो जिहा बिहेवियर सानू ना दवे आपां उदों भी कह दिंदे आ किस तरह यू माइट हैव टोल्ड मी तैनू मैनू पहला दस देना चाहीदा सी दैट शी वुड नॉट बी इन टुडे कि वह अज इत्थे नहीं आएगी ठीक सो इत्थे जे तुसी कहोगे यू मे हैव टोल्ड मी ते ए इनकरैक्ट हो जाएगा सो नैक्सट है जो आपां किसे नू रिक्वेस्ट करनी होवे जां कोई सजैशन देनी होवे उदों भी माइट की वरतों कर लैंदे आ किस तरह के डोंट यू थिंक यू माइट बी अ लिटल ओल्ड फॉर हिम तैनू नहीं लगता तू थोड़ा बुढ़ा है ओदे लई माइट आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि मैं तेरे को क्वेश्चन पूछ सकता हाँ सो जे अखीर से मैं तुहानू सारिआं नू कन्फ्यूजन तो करना होवे ता नट शैल विच मैं ये कहांगा जो तुसी मे दी वरतों करोगे तो तुसी अपने आप नू पोलाइट शो करोगे कि असी निमर हाँ मे आई कम इन ओके ते जो तुसी करोगे माइट आई कम इन या माइट आई बोरो योर पेन ता उदों भी पोलाइट शो करोगे तो बड़ा फॉर्मल तरीके नाल बोलोगे ज़्यादा फॉर्मैलिटी ओके जो किसी जगह पर ज़्यादा फॉर्मल होकर बोलना पवे के तो उदों माइट की वरतों करी दी है पर जो तुसी क्या कैन आई बोरो योर पेन तो फिर लैस पोलाइट हो जाएगा कि तुसी निम्रता दे नाल नहीं बोले हालांकि मतलब सेम है गल तुहाडी समझ ली गई है पर कैन लगाना मतलब तुसी निम्रता विच नहीं बोल रहे तो हो सकता कई कहन तू गलत सेंटेंस बोलिया है इस तरह जो तुसी किसी नू जवाब भी देना तो जवाब विच भी यही शर्तां ने यस यू मे पोलाइट हो तुसी यस यू माइट इहदा मतलब तुसी भी उस तरीके नाल जवाब दे रहे हो सो पेन मंगण वाले जे पुछया माइट आई बोरो योर पेन उन्हें किवें पुछया बड़े पोलाइटली तो बड़ा फॉर्मल जहा होके पर जे तुसी जवाब दिता यस यू कैन तो फिर अगला समझेगा कि हाँ तुसी पूरे दिल नाल नहीं देना चाहते बड़े औखे होके पेन जिहड़ा है वह तुसी दे रहे हो क्योंकि कैन जिहड़ा है पोलाइट वर्ड नहीं है इन तुसी बार बार सुनोगे तो होर गल्लां बड़ियां क्लीयर होणगियां बाकी एक गल पक्की है कि 5-10 मिनट की वीडियो नाल कॉन्सैप्ट क्लीयर होने च बहुत मदद मिलती है पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सो प्रैक्टिस करते रहो वध तो वध किताबां पढ़ते रहो जो तुसी पढ़ते जाओगे इंग्लिश सुनते जाओगे बोलते जाओगे तो कॉन्फिडेंस नाल अपनी गल दूजे सामने रखोगे तो डेफिनेटली ताड़ी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव होंदी जाएगी थैंक यू वेरी मच होप दिस विल हैल्प यू